या जिस सबूत के आधार पर इनको अरेस्ट किया है, तो ईडी ने रिमांड के लिए प्रे किया था कोर्ट में, वो रिमांड जो है उनको ईडी को दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इस बात पर आज हियरिंग हुई थी। हेमंत सोरेन साहब के तरफ से सिर्फ ये पक्ष रखी गई, चूँकि ईडी का कहना था कि बड़गाई अंचल में जो ज़मीन है 8.5 एकड़ की जो ज़मीन है, वो गलत तरीके से हेमंत सोरेन साहब ने उसको अपने या अपने परिवार के नाम पे किया गया है, बट ईडी वालों ने कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दिखा पाया है, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए हैं, और ना ही उनके किसी फैमिली या उनके नाम से अंचल कार्यालय में कोई नाम दर्ज है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। लैंडस्कैप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी देर रात ईडी के अधिकारियों ने अरेस्ट कर लिया है। आज रिमांड लेने के लिए ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को लेकर कोर्ट परिसर पहुंचे, क्या कुछ हुआ है कोर्ट परिसर में, हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता रुपेश जी हैं, इनसे जानते हैं। सर, आज हेमंत सोरेन यहां पहुंचे, क्या कुछ हुआ है सुनवाई में, क्या बताएंगे? सुनवाई, सबसे पहले मैं बता दूं कि कहीं भी इस बात को लेकर सुनवाई नहीं हुई थी कि कौन गिल्टी है कि गिल्टी नहीं है, सिर्फ इस बात को लेकर सुनवाई हुई थी कि ईडी ने जिस बाबत या जिस सबूत के आधार पर इनको अरेस्ट किया है, तो ईडी ने रिमांड के लिए प्रे किया था कोर्ट में, वो रिमांड जो है उनको ईडी को दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इस बात पर आज हियरिंग हुई थी। और इस मैटर को लेकर हियरिंग पे जो ऑर्डर है वो कल तक के लिए रिजर्व रखा गया है, और अभी हेमंत साहब को जुडिशल कस्टडी में भेजा गया। जुडिशल कस्टडी की बात करेंगे तो हेमंत सोरेन क्या कैंप जेल में रहेंगे, क्योंकि जुडिशल कस्टडी की बात होती है तो ऐसे में ये जिला प्रशासन तय करता है कि वो जो जिस पर आरोप है वो कहाँ रहेंगे। देखिए, इतना तो ये कहा ही जा सकता है कि फिलहाल ये आरोप प्रूफ नहीं हुए हैं, इसलिए इनको होटवार जेल में तो नहीं रखा जाएगा, मे बी कि इनको कैंप जेल में रखा जाएगा। देयर आफ्टर कल के ऑर्डर के बाद ही ये पुख्ता बातें आ सकती हैं कि ये कहाँ जाएंगे, ईडी के रिमांड में जाएंगे, या अगर ईडी पूछताछ करती है तो फिर क्या बातें आती है, उसी के अकॉर्डिंगली फिर जब आरोप तय होगा तो ये डिसाइड होगा कि जो कल्पित है, जब तक उनका आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, जब तब तक वो जेल नहीं जा सकते हैं, उन्हें वो ईडी के कस्टडी में रहेंगे। और ईडी अगर फुली तरह जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली फिर वो अपने हिसाब से FIR रजिस्टर्ड करेंगे और देयर आफ्टर इनको फिर जेल। सर, जो सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ बातें हेमंत सोरेन के पक्ष के तरफ से रखी गई? हेमंत सोरेन साहब के तरफ से सिर्फ ये पक्ष रखी गई, चूँकि ईडी का कहना था कि बड़गाई अंचल में जो ज़मीन है 8.5 एकड़ की जो ज़मीन है, वो गलत तरीके से हेमंत सोरेन साहब ने उसको अपने या अपने परिवार के नाम पे किया गया है, बट ईडी वालों ने कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दिखा पाया है, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए हैं, और ना ही उनके किसी फैमिली या उनके नाम से अंचल कार्यालय में कोई नाम दर्ज है, इस बात को लेकर हेमंत सोरेन साहब के एडवोकेट जिनके तरफ से AG साहब अपीयर हुए, वो अपनी बात रखे कि कोई भी जमीन, 1 इंच भी जमीन जो है हेमंत सोरेन या उनके परिवार की तरफ से कहीं भी दर्ज नहीं है। सर, तो अब जो रिमांड ईडी को लेनी थी, कितने दिनों की रिमांड ईडी मांग रही थी? 10 दिनों के लिए। क्या लगता है कितने दिनों की मिल पाती है? कहना मुश्किल है, चूँकि ये कोर्ट का ऑर्डर की बात है और बीइंग एज एन एडवोकेट कुछ भी कहना मुश्किल है, चूँकि कोर्ट से ऊपर मैं एडवोकेट नहीं हो सकता, और कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ही ये तो क्लियर है कि सारी बातें। आज जब रिमांड नहीं मिली है तो ऐसे में फिर आगे क्या होगा, ईडी रिमांड के लिए कल फिर कोर्ट मूव करेगी? नहीं, ईडी रिमांड के लिए कोर्ट मूव करेगी नहीं, चूँकि कल तो ऑर्डर पर रखा है। अगर मान के चलिए कल ईडी के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आती है तो फिर ईडी उस रिमांड के अगेंस्ट में फर्दर मूव कर सकती है, हाईकोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये तो तय होगा कि कल क्या कोर्ट का ऑर्डर आता है उसी पे ही आता है। कोर्ट के का ऑर्डर का इंतजार किया जाएगा या फिर हेमंत सोरेन भी फिर ईडी के साथ कोर्ट परिसर पहुंचेंगे? नहीं, कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया जाएगा। शरीर होना उपस्थित नहीं है ऑर्डर के, क्योंकि ऑर्डर रिजर्व, यस ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, इसलिए उनका रहना या आना जरूरी है। सर, एक और जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 10 समन ईडी ने हेमंत सोरेन को भेजा है, 8वें समन पर पूछताछ होती है, 10वें समन पर पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, तो ऐसे में ईडी के फिलहाल हेमंत सोरेन कस्टडी में है और जो रिमांड की ईडी ने बात की है जिसके लिए ईडी कोर्ट मूव की है, तो ऐसे में आज सुनवाई नहीं हो पाई है, कल सुनवाई होगी जैसा कि आपने कहा? नहीं, कल ऑर्डर आएगा तो उसके बाद फिर वो रिमांड की डेट भी आगे बढ़ेगी या पहले रिमांड तक का इंतजार करना होगा, और रिमांड के बाद क्या उन्हें छोड़ दिया जाएगा या फिर उन्हें जेल भेजा जाएगा? हालांकि ये जल्दबाजी होगी पूछना और कहना कुछ भी, लेकिन क्या लग रहा है कि सिनेरियो क्या दिखता है? डिपेंड करता है, ये ऐसा है कि जहां तक रिमांड की बात है तो ये कल ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा कि वो ईडी को रिमांड में दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और अगर ईडी को रिमांड अलाउ होता है तो ये
ईडी उनसे अपने तरीके से फिर से पूछताछ करेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अधिवक्ता रुपेश जी थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी के कस्टडी में है। आज हेमंत सोरेन मामले को लेकर हियरिंग नहीं हुई है, क्योंकि ईडी जो है हेमंत सोरेन को लेकर कोर्ट पहुंची हुई थी, जहां ईडी 10 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन आज इस फैसले पर कल ऑर्डर आएगा, जिसके बाद ही फिर आगे ईडी कुछ एक्शन लेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दृष्टि न्यूज़।